गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश से पहले हमने पढ़ लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था और 1206 से लेकर 1210 तक 4 ईयर्स तक उसने रूल किया था, और 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय उसकी डेथ हो गई थी। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो सक्सेसर था वो किसको बनाया था, इल्तुतमिश को बनाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह वह खुद गद्दी पर बैठ गया। तब इल्तुतमिश ने अपने कुछ साथियों के साथ, अमीरों के साथ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटा दिया था। वह कुछ समय के लिए बैठा था और खुद सक्सेसर बन गया। तो इल्तुतमिश कौन था, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उसका सक्सेसर दोनों ही था। तो देखिए, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक, वह ऐबक का सन इन लॉ और ऐबक का सक्सेसर था। ही कंसोलिडेटेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, और उसने ही क्या किया था, भारत में मुस्लिम रूल को आगे बढ़ाया था, मतलब एक्सपेंड किया था। इसीलिए ही इज़ नोन एज रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। इसे क्या कहा जाता है, भारत में मुस्लिम एम्पायर का वास्तविक संस्थापक उसको कहा जाता है। देखिए, फाउंडर कौन था, फाउंडर इसका था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन रियल फाउंडर कौन था, रियल फाउंडर बोला जाता है इल्तुतमिश को। क्यों बोला जाता है, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इस डायनेस्टी को फाउंड किया था, लेकिन इस डायनेस्टी को मतलब आगे किसने बढ़ाया था, वो बढ़ाया था इल्तुतमिश ने, इसीलिए ही इसे रियल ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। ही अटैक्ड मालवा इन 1223 AD एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ बिल्ला। अब इल्तुतमिश ने 1223 AD में मालवा पर अटैक किया। मालवा कहाँ पर है, MP में, और उसको अपने कब्जे में कर लिया। कौन सा फोर्ट था, भिल्ल का एक किला था, उस भिल्ल के किलों को अपने कब्जे में कर लिया, जो कहाँ पर था, MP में। ही कैप्चर्ड रणथंबोर इन 1226 AD, कि रणथंबोर पर भी इल्तुतमिश ने कब्जा किया था और 1226 को उसने उस पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश मेड ग्रुप ऑफ 14 नोबल्स कॉल्ड चहलगानी और चालीसा। अब देखिए, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि 40 अमीरों का या 40 वफादार जो उसके अमीर थे उनका एक ग्रुप बनाया, जिन्हें क्या कहा गया, चहलगानी या चालीसा कहा गया। 40 ग्रुप होने के कारण से क्या कहा गया, चालीसा कहा गया। अब इसको बनाने का रीज़न क्या था, इसको बनाने का रीज़न था उस समय जो मंगोल अटैक्स हुए थे हमारे इंडिया पर, उन मंगोल अटैक से हमारे इन अपनी डायनेस्टी को बचाना, प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसीलिए इल्तुतमिश ने जो 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाया जिसे कहा जाता था चहलगानी या चालीसा, जिसे बाद में जाके बलबन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, हम पढ़ेंगे बलबन में। ही आल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर एंड जालौर, उसने ग्वालियर को भी जीत लिया था और जालौर पर भी उसने कब्जा कर लिया था। ही आल्सो सक्सीडेड इन अवॉइडिंग एनिमिटी विद चंगेज खान ऑफ मंगोलिया बाई रिफ्यूजिंग टू हेल्प ख्वारिज्म शाह सन मागबनी। अब देखिए कि उसने मंगोल का एक शासक था जिसका नाम था चंगेज खान, जो कहा जाता है कि उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने यूरोप और एशिया के बहुत सारे जगहों पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। तो चंगेज खान, जिसका रियल नाम था तिमुचिन, यह मुस्लिम नहीं था, ठीक है, तिमुचिन नाम था इसका, और जब यह एक व्यक्ति का पीछा करते हुए भारत आया जिसका नाम था मागबनी, ख्वारिज्म शाह का पुत्र था मागबनी, इसका पीछा करते हुए ये कहाँ आया, भारत आया, और मागबनी ने हेल्प मांगी किससे, इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश ने देखा कि इसके पीछे कौन है, मंगोलिया का किंग जिसका नाम था चंगेज खान, तो उसने इसका मदद करने से मना कर दिया, बिकॉज यदि इसकी मदद करता तो इल्तुतमिश को दुश्मनी मोल लेनी पड़ती किससे, चंगेज खान से, और यदि वह इसकी हेल्प करता तो हो सकता था कि उस समय जो स्लेव डायनेस्टी है वह स्लेव डायनेस्टी उस समय ख़त्म हो जाती।
लेकिन डिसीजन क्या लिया था इल्तुतमिश ने, उसने डिसीजन ले लिया कि मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा। तो उसने उसकी शत्रुता को अवॉइड कर दिया, किसकी, चंगेज़ खान की। आगे देखिए, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। अब इसने अपनी जो कैपिटल थी वो कहाँ से शिफ्ट कर दी, लाहौर से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब रूलर था उस समय उसने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, लाहौर, और लाहौर से ये इल्तुतमिश अपनी कैपिटल लेकर आ गया दिल्ली में। ठीक है, एक बात और कि इसी समय 1231 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की 3 मंजिल का निर्माण करवा दिया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो गया आपका इल्तुतमिश।